जोधपुर से है, जहां कोरोना वायरस के कहर के चलते विदेशों से प्रवासी भारतीयों के आने का सिलसिला यहां पर जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर से ईरान में फंसे हुए 275 भारतीयों को विमान से जोधपुर लाया गया। यहां एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद सभी यात्रियों को पालड़ी के सीआरपीएफ कैंप में पहुंचाया गया। यहाँ सभी यात्रियों को सेना के विशेष क्वारंटाइन कैंप में रखा जाने वाला है। इस कैंप में पहले से ही 277 भारतीय नागरिकों को रखा गया है। जोधपुर से आपको खबर बता रहे हैं, ईरान से यहां पर भारतीय जोधपुर में पहुंचे हैं। कुल 275 भारतीयों की यहां पर संख्या बताई जा रही है। सीआरपीएफ के कैंप में इन्हें क्वारंटीन करके रखा जाएगा। जत्थे में 113 महिला, 142 पुरुष और 4 बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी को ईरान से यहां पर लाया गया है, जोधपुर में पहुंचा है। इन सभी यात्रियों का जत्था भारतीयों को यहां पर पहुंचाया गया है। अगले कुछ दिनों तक एहतियात के तौर पर ये सभी यात्री क्वारंटीन कर रहने वाले हैं। यहां पर सीआरपीएफ के कैंप में माकूलन की व्यवस्था रहने की गई है।